दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात करने वाले BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जैसा कि आप सबको बोला था कि भाई BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपका फॉरम चालू होते ही आपको सबसे पहले इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और वही बात मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और डिटेल में सारी जानकारी भी आ चुकी है। डिटेल में बात को जानेंगे और सारी डिटेल एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है BSF। क्या सर्च करना है मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ BSF। जैसे मैं यहाँ पर BSF सर्च करता हूँ तो कुछ मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आता है। बिल्कुल आपकी साइड बहुत स्लो चल रही है, आपकी हो सकता है साइड में प्रॉब्लम हो जाए, पर यहाँ पर मैं बता दूँ बहुत जल्द आपको इसकी इंफॉर्मेशन लेकर निकालने देने वाला है। बहुत ही बढ़िया आपके सामने, बहुत ही बढ़िया मौका आपके सामने आ चुका है। BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपके यहाँ पर फॉरम स्टार्ट हो चुका है। सलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ हम जानेंगे, एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से ये नहीं चल पा रहा है। चलते हैं, देखो इसे जैसे खुलते मैं वापस आपके साथ आऊँगा। ये देखो भाई BSF का आपका यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे मैं करंट ओपनिंग रिपोर्ट में इसके ऊपर क्लिक करता हूँ BSF के, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। उससे पहले बता दूँ मैं आपको, यदि आप ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हर एक जानकारी, हर एक चीज़ BSF के रिलेटेड होती है। आपका अदरवाइज कोई भी भर्ती हो उससे रिलेटेड सबसे पहले जानकारी उपलब्ध कराता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन पर। यदि आप कैंडिडेट लॉगिन हो, यदि आपको पहले से कोई आईडी बनी हो तो वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, या पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, फिर आप न्यू कैंडिडेट हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल। यहाँ पर देखो मैं आपके सामने कुछ इस तरह से, देखो ये मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। वैसे IMA नोटरी रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना हो और इसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। IMA नोटरी रोबोट के लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो डेस्कटॉप बोर्ड आपके सामने आएगा उसको आपको क्लोज कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू अप्लाई एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप न्यू अप्लाई एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आएगा। यह आएगा भाई रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यार कॉल बहुत आ रहे हैं, बच्चे का कॉल आ रहा है, तो यहाँ पर देखो दोस्त यहाँ पर दे देगा आपका रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर यहाँ पर देगा। वैसे जैसे हम व्यू डिटेल पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन जान लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे। ये देखो आपका यहाँ पर बोला गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। यहाँ पर देखो आपकी वैकेंसी, आपकी यहाँ पर खाली की जगह दी गई है, वैकेंसी अपडेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पूरा दे रखा है SI के लिए आपको ग्रेड पे दे रखा है। आपको यहाँ पर नेशनल इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 साल की, 24 को 3 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ बात करेंगे। यहाँ पर ASI स्टेनो हेड कांस्टेबल 1 अगस्त 2022 से आपकी एज काउंट होगी। ध्यान रखना 1 अगस्त 2022 से आपकी एज काउंट होने वाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पास 10+12 होनी चाहिए, पर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ यानी 10+2 आपके पास होने चाहिए। और आपको यहाँ बता दूँ स्किल में आपको असिस्टेंट आपको जो है ASI है ना, उसके अंदर ये दोनों में 10+2 होनी चाहिए। और ASI में आपको बता दूँ ध्यान रखना स्किल टेस्ट यानी कि जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में आपका 10 मिनट, ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश 50 मिनट्स पर मिनट हिंदी। आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर आपको 30 वर्ड मिनिमम आपकी हिंदी, और यहाँ बता दूँ मेरे दोस्त यहाँ पर हिंदी आपको और इंग्लिश आपको 35 वर्ड, ठीक है। ये दे रखा हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नॉर्मली फीमेल 155 सेंटीमीटर, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल OBC ST कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ बता दूँ जनरल OBC SC EWS कैंडिडेट के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर टेस्ट मांगेगा, और SC तो शेड्यूल आपका जो यहाँ पर ST उनके लिए 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वेट आपका यहाँ पर नॉर्मली 50 kg होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वेट में 6x6 आके होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो दे रखा है वो चीज़ आपको बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बैंक रैंकिंग सुविधा, अब देखो सबसे पहले होगा यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला, उसके बाद सेकंड फेज में आपका फिजिकल होने वाला, उसके बाद ASI स्टेनो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला हेड कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए देखो डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम। सेकंड फेज में आपका सारा का सारा एक चीज़ हो जाएगी। फर्स्ट फेज रिटर्न एग्जामिनेशन आपको क्या होने वाला है, रिटर्न एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट और सेकंड सेंट्रल डेट ऑफ फिक्स डेट BSF आपका BSF जो फिक्स डेट करेगी उसको आपको वेबसाइट पर आपको अपडेट कर देगी। इसके अंदर क्या क्या पूछेगी, हिंदी आपका 20 नंबर का, जनरल इंटरेस्ट रीजनिंग 20 नंबर की, नंबर ऑफ एबिलिटी यानी मैथ 20 नंबर की आपको यहाँ पर लगेगा, आपको करंट अफेयर्स आपको 20 नंबर की, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर, टोटल 20 नंबर और 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। आप बता दो ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आपको यहाँ पर बुलाएगा, ठीक है। एवरेजन आपको आप यदि UR EWS कैटेगरी 35% OBC ST 33% नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई विल भी आपका रिकॉर्ड 10 टाइम्स ऑफ नंबर वैकेंसी पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल
मिनिस्टर 23 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट ऑफ यानी एएसआई के लिए 30 गुना और आपको यहाँ पर बुला गया जो हेड कोर्स मिनिस्टर 10 गुना आपको यहाँ पर पास करना होगा। यह चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में आपको जो होने वाला वो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है। सेकेंड फेज में क्या क्या ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे आपका सेकेंड फेज में एक साथ ही हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट आ जाएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर चीज़ बात करते हैं, एग्जाम सेंटर आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। रिक्रूटमेंट सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हो, जम्मू आपका श्रीनगर, जम्मू जालंधर, जोधपुर आपका गांधीनगर, दिल्ली, बेंगलुरु आपको खुर्दरा, इंदौर, टेकनपुर, हजारीबाग, कोलकाता आपका का आपको यहाँ पर कदमाता और गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला, शिलोंग, ये आपके जो बी एस एफ के सेंटर है वहाँ पर आप एग्जाम सेंटर के सेंटर चूज कर सकते हो। जो आपकी इच्छा हो वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखो ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आपके सामने दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ को आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ हर एक चीज़। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र वो कौन सा लगेगा वो सब कुछ आपको बता दूंगा। ये आपके जो दे रखे हैं वो बात अलग है। फॉर्म आपको किस प्रकार बनने चलते हैं पीछे और चलते हैं बी एस एफ की वापस वेबसाइट पर। जैसे ही आप बी एस एफ की वेबसाइट पर आते हो तो आपके सामने पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बी एस एफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही बढ़िया बुक निकाल दी गई है, जिसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने इसका अध्ययन करने के बाद में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान रखना, बिल्कुल एक एक सटीक जानकारी आपको दूंगा। ये बी एस एफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन जो नवीन पाठ्यक्रम आपका आया, जो नया आपके क्वेश्चन है उस प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। इसमें 1600+ क्वेश्चन है जो आपके पेपर आज तक आए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह बताया गया है। तो ध्यान रखना, चक्षु पब्लिकेशन जो भी आपको लिंक वगैरह चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी देखो यहाँ पर एक टॉपिक को इन्होंने पूरा ध्यान से बता रखा है, वो डिटेल में बता रखा है। ये देखिए पूरा का पूरा टॉपिक, ये मैंने पूरी अध्ययन करने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट बुक आपके सामने मेरे दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन की। इसका आप लिंक ले डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हो। बाकी देखो चक्षु पब्लिकेशन है, इससे अच्छी बुक आपको यहाँ पर मार्केट में नहीं मिलेगी। बहुत ही बेस्ट बुक आ चुकी है, देख लीजिए पूरे डिटेल में इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है। जीके वगैरह इन्होंने सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है ना मेरे दोस्त, इसको पढ़कर अपनी तैयारी को रामबाण साबित कर सकते हो। और आगे भी डिटेल में आपके लिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक का मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा दूंगा मेरे दोस्त। यहाँ पर बता दूँ बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसमें प्रैक्टिस सेट भी है, प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर आपकी जो बुक है वो दोनों यदि आप कॉम्बो लेना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये डिटेल में देख लीजिए, ये बुक आपको खरीद लीजिए और आपकी सिलेक्शन का रामबाण साबित हो सकती है मेरे दोस्त। जैसे ही आप बीएसएफ की वेबसाइट पर आते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे आप यहाँ पर पोस्ट है ऐसा है मिनिस्टर, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर। उसके बाद में आपको आपको यहाँ पर दे रखा है क्वालिफिकेशन 10+2 आपको यहाँ पर होनी चाहिए, 10+2 आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखा हो क्या दे रखा है आपको, 30 वर्ड इंग्लिश, 35 वर्ड इंग्लिश आपको एवरेज आपको यहाँ पर दे रखा है। तो एवरेज इसके अंदर आपको येस कर देना, ठीक है। येस करने के बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल एंड कैंडिडेट विद द शेड्यूल आपको यहाँ पर एसटी चाहते हो तो जनरल कैंडिडेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डाल रहा है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे 7 नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो मेरे सामने जो आपका चीज़ दे रहा था वो फॉर्म भरने की डिटेल दे रही, तो वो डिटेल आ चुकी है। मतलब सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। वो डिटेल में आपको यहाँ पर देखो आपको अभी क्या करना है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर हाई हैव रेडी एंड आपको यहाँ पर माई दे नॉलेज यहाँ पर बोला गया HDFC PG से यहाँ पर आपको चालान काटना होगा। चालान कितने का पे आपको पहले से आपको यहाँ पर देखो मैं देता हूँ आपको यहाँ पर जो आपको मैं पहले से देता हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं पहले से दे देता हूँ, ठीक है। और देखो एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको यहाँ पर पहले से देना है, आपको 147 रुपये का यहाँ पर टोकन कटेगा। आपको सेंटर को किसको अपराध में देते हो, बीएसएफ में तो यहाँ पर जोधपुर को दूंगा भाई, ये जोधपुर मेरे पास में पड़ता है। तो आपके जो पास में पड़ता है उस जो आप सेंटर को चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं राजस्थान से बिलोंग तो मैंने जोधपुर को दे दिया। अब इसमें पे नाउ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बोला गया आई एग्री द पे नाउ, यस आई हैव रेड आई एग्री। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। और पेमेंट आप करोगे तो आपके सामने भाई यहाँ पर जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने बीएसएफ की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट में आपको करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट भी आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी अपडेट भी आपको मिलेगा। उसके बाद आप प्रिंट ले लेना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।